थोड़ा कोई गार्ड में फिफ्टी का साइन पैर हो जाए ग्राउंड में लगाए बोला साइन में करो गाड़ी ड्राइव है इसमें ट्रैफिक पुलिस को मदद करने के लिए जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी शामिल हुए हैं जिनमें रेवेन्यू है एसएमसी है एसडीए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि शहर में ट्रैफिक जाम की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट मौसूल हो रही है आवाम से और ख़ासकर जो एम्बुलेंस मूवमेंट है वो इफ़ेक्ट हो रही है। इसमें हमने ये देखा पूरे शहर में घूम के आज के रोड बिड्स की कमी नहीं है पार्किंग स्पेसेस की भी कमी नहीं है कमी है अगर है तो वो है सिविक सेंस की। आज जिन गाड़ियों के चलान हुए हैं जहांगीर चौक के पास जो डिजिग्नेटेड बस स्टॉप है बस वाला मिनी बस वाला रोड के मिडिल में खड़े होकर सवारी बिठा रहा है और सवारी उतार रहा है जबकि साइड में जगह है। अभी बटमालू में जस्ट एक बस का चलान हुआ है रोड के मिडिल में खड़ा है सवारी को उतार रहा है जबकि साइड में भी जगह है और हमारे इंटरवेंशन के बाद वो साइड में आ गया। तो इसलिए कमी सिविक सेंस की है कमी रोड विड्थ की नहीं है कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी नहीं है और मजीद जो इम्प्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर वो भी हम करेंगे हम तभी पूरे शहर में स्मूथ मूवमेंट गाड़ियों में रख सकते हैं अगर हम सभी जो भी गाड़ी चलाने वाला है उसको ये मालूम हो कि मेरे पीछे कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है या मैं आगे से एम्बुलेंस आ रही है उसको साइड देनी है या कोई दिगर कोई शख्स मजबूरी में हो सकता है जिसको फ्लाइट कैच करनी है ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम क्यूमुलेटिवली एज ए सोसाइटी हम सब मिलकर ही काम करेंगे। इसके रिपीटेड वायलेशन है देखो इन्फोर्समेंट तो होगी उस पर लगातार एक सस्टेंड तरीके से इस पर ड्राइव जारी की आज शुरू की है और इसमें ट्रैफिक पुलिस इसमें एसएमसी और एसडीए रेवेन्यू अथॉरिटी सभी लोगों ने मिलकर इसमें एक ड्राइव शुरू की है और कंसर्न जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस ड्राइव को लगातार जारी रखा जाएगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शख्स एम्बुलेंस की मूवमेंट को ब्लॉक ना करें। जब बटमालू में जाम लगता है तो एक किलोमीटर पीछे 500 मीटर पीछे ज़रूर कोई ना कोई एम्बुलेंस होती है। तो हर गाड़ी चलाने वाला अगर अपने जेहन में ये रखेगा कि हमें किसी अस्पताल में जाते हुए दम तोड़ते हुए मरीज़ को जगह देनी है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाना है तो मुझे लगता है कि अगर इतना ही सेंस हम रखेंगे हम सभी मिलकर तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे। देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूं आप जहांगीर चौक की एग्ज़ाम्पल ले लें जो शॉप से शॉपकीपर्स जो हैं उनकी गाड़ियां दुकानों के आगे लगी होती हैं जबकि जहांगीर चौक के पास आप अदर साइड देखें वहां पर पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड है उसको छोड़कर पूरा दिन दुकानों के आगे गाड़ियाँ लगा कर एक तो उनका बिजनेस सफ़र होता है और एक पूरा शहर सफ़र होता है उससे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कड़वी गोली हम सबको खानी पड़ेगी पार्किंग स्पेस जहाँ है वहाँ गाड़ी लगा के हम अगर हमें 5 मिनट पैदल भी चलना पड़े उसमें कोई हर्ज नहीं है सेहत के लिए अच्छा है 10 मिनट भी पैदल चलकर अगर पार्किंग स्पेस में हम गाड़ी लगाकर 10 मिनट पैदल चल के आएँ हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है पूरे शहर की सेहत के लिए अच्छा है। ओमिक्रॉन वेरियंट को WHO ने वेरियंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है जब वेरियंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हो गया है तो वो हमारे लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है वेरियंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें अपने मार्केट्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और दीगर तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं और इनफरादी तौर पर हम इस चीज़ को अपनी ज़ाती रिस्पांसिबिलिटी समझें कि कोविड से जिस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड वेव से पूरे श्रीनगर शहर ने मिलकर इसका मुकाबला किया है जो थर्ड वेव की के खतरात थर्ड वेव के जो बादल मंडला रहे हैं उससे हम तभी कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे उससे तभी हम